بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب نبوة اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم

इसकी मेमोराइज़ेशन करेंगे फर्स्ट आयात और जब फर्स्ट आयात हो जाएंगे तो इनशाला हम लास्ट आयात को मेमोराइज करेंगे ठीक है? इसके बारे में बहुत सारी रिवायत है इनशा जब इसकी थोड़ी सी तबसीर करेंगे ना तो फिर आपको बात अच्छी समझ आ जाए जाएगी ठीक है तो अल्लाह तला हमें इस इस अपॉर्चुनिटी से फायदा लेने वाला बना दे मुझे उम्मीद है की आने आने से पहले आप सबने अपनी नीयतों का जायजा लिया होगा अल्लाह मजाला واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم أصلح نيتنا وزرياتنا وزوجنا شلي إن شاء الله हम अपनी चलते हैं सूरत इनशा आयत नंबर आज हम सॉरी पहले हम आ, हम जो किताब करते हैं अपनी जन्नत की कुंजिया ना जो कि अलहमद एक तरह से हमारे लिए तस्की का काम करता है ना हमें वो काम बता देता है कि जो वाकई हमारे लिए आ, एक तरह से अमल की राहें खो लेना तो आज हम इनशा जिस अमल को देखेंगे वो है मस्जिद में ही रहाइ अख्तियार कर लेना

उसकी मदद करने उस पर रहमत व शफफ़त करने और उसे अपनी रजामंदी और जन्नत की तरफ पुले सरात का जिम्मा लिया है इमाम रही मौला ने कहा कि औसत में और बाजार ने रिवायत किया और कहा है कि इसकी सनत जो है वो हसन है और वही बात दुरुस्त है जो उन्होंने कही है लेकिन अलामा अलबानी रहीद हैं जिन्होंने बहुत सारी ऐसी अदीस को निकाला है है जो कि अल्लाह के नबी मतलब अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है ना उनकी रिवायत के मुताबिक अलफाज सिर्फ इतनी ही हो जाते हैं, वो क्या है कि मुतकी हर मस्जिद हर मुतकी का घर है।, है ठीक है बाकी जो लफ्ज है वो साबित नहीं है ठीक है अल्लाह अल्लाह तमें ये देखे कि मुतकी हर शख्स हर मुतकी मस्जिद जो है हर मुती व परहेजगार का घर है अब सोचिए मस्जिद से किसको मोहब्बत होगी ना और मस्जिद में क्या कुछ काम होते हैं ना क्या कुछ अहतमाम किया जाता है वो बात अलग है कि आज मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हुआ करता है पहले पहले तो मस्जिदें दर्जगाह ही हुआ करती थी ना लोग इल्म के समुंदर वहाँ से लेके जाते थे असहाब सोफा तो वहीं रहा करते थे मस्जिद के अंदर ही उनका जिसे कहा रहने का इंतजाम था वहीं वो अल्लाह के नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा करते थे आज हमारे बच्चे स्पेशली मस्जिद का जब तस्वुर तो आता है तो ऑफकोर्स मर्दों के लिए स्पेशली खास है कि उनके लिए खास कर अलहमदुल्ला इस हवाले हाँ से कि वाकई अगर देखा जाए कि जिस शख्स को मस्जिद से मोहब्बत होती है वही तक़वे के जिसे कहा जाए तक़वे को शो करता है कि वाकई उसको फील होता है उसका एक घर जैसे अपना अपना घर है और एक वो घर है जो कि जिसे कहा जाए अल्लाह का घर यानी मस्जिद है जिनको आबाद करना वही लोग कर सकते हैं जो अल्लाह से डरने वाले है ना तो कहने का मकसद है कि मैं और आप देखे हमारे बच्चे स्पेशली हमारे मील हजरा कितना इस चीज का करते हैं ना और इवन आपको याद है वो हदीस का मफोम भी ना कि अगर भी मस्जिद जाए तो उनको ना रोको उनको उसके में है, ठीक है ना ये नहीं हो सकता की अगर आप मस्जिद जाएंगे तो आपको ज्यादा अजर मिलेगा नहीं औरत के जो अफजल नमाज है उसके घर के अंदर है हाँ ये बात अलग कभी आप ईमान ताजा करने के लिए मसाजिद जाकर अपने को ताजा कर सकते हैं जैसे स्पेशली होता है ना कि जैसे जुम्मे की नमाज है कभी आप जाते हैं और आपका दिल चाहता है तो आप जा सकते हैं मना नहीं इसी तरह कुछ नमाजों में अल्लाह के नबी ने प्रमोट किया जैसे आपको याद है जो जो ईद की नमाज है की नमाज तो ईदैन की नमाज पहले तो ग्राउंड में हुआ करती थी ना अब है कि मस्जिदों में हुआ करती है तो ऐसे मौके पर अलहमदल उसमें जाने के लिए कहाँ गया है ऐसी नमाजों में ना ताकि वो औरतें भी जो हैज वाली को भी जाने को कहा गया ताकि वो दुआओं में शरीक हो फिर देखिए मस्जिद की तरफ जाना अबू अशरी जो शख्स सुबह को और शाम को मस्जिद की तरफ गया अल्लाह तन्नत में मेहमान नवाजी का सामान हर मर्तबा तैयार कर देते हैं और जब वो सुबह या शाम के वक्त गया मुरादे के जब सुबह को गया तब भी और शाम को गया तब भी अल्हम्दुलिल्लाह तो अब ये देखिए नमाज के अवात की, की पाबंदी करना और नमाज के लिए मस्जिद में पहुँचना इंतहाई फजीलत वाला अमल है नबी सल्लल्लाहु अला वसलम का इर्शाद है कि जो शख्स अपने घर में वू करे और वदू करके फिर अल्लाह के घरों में से किसी घर यानी मस्जिद की तरफ चल कर जाएं ताकि अल्लाह ताली के फ़रज़ में से कोई फर्ज नमाज अदा करे तो उसके दोनों कदमों में से एक कदम को एक जो दोनों कदमों में से एक कदम को नामिटा दिया जाता है और दूसरा कदम दर्जात बुलंद करता है ये मुस्लिम की रिवायत है तो आप ये देखिए कितनी अहम है ना कि एक होता है दुनिया में अगर आप किसी को प्रोटोकॉल दे दे देते हैं किसी को ऑनर देते हैं किसी को मतलब कोई आपको जिसे कहा दावत पे बुलाता है वो आपकी मेहमान नवाजी करता है ना हॉस्पिटेलिटी करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है कहा ये कि जब सुबह और शाम को मस्जिद की तरफ कोई भी जाता है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में मेहमान नवाजी का सामान तैयार करते हैं जब भी वो सुबह या शाम के वक्त तो अलहमदुल्ल अपने बच्चों को अपने लड़कों को स्पेशली प्रमोट कीजिए कि जाए वो सुबह और शाम नमाज के लिए ताकि अल्लाह तला की मेहमान नवाजी का शर्फ उन्हें हासिल और फिर

व मिन नफाक जिस शख्स ने रजा इलाही की खातिर चालीस दिन बाद नमाज अदा की और तकबीर है जो आप पहली तकबीर कहते हैं जिसको तकबीर तहरीमा भी कहा जाता है अल्लाह अकबर उसने हासिल की तो उसके लिए दो चीजों से बारात लिख जा, दी जाती है एक आतिश जहन्नम से बारात और दूसरी निफाक से बारात हजमे अच्छा से कितने लोग हैं ना नफाक से परेशान है ना तो और इस्पेली देखिए कि जहन्नम से बारत और निफाक से बारात हमें से हर कोई तो जसाकली मर्दों के लिए है खासकर मस्जिद के हवाले से ज्यादातर ना लेकिन अगर औरतें भी जाती हैं तो उम्मीद है की इनशाला वो भी अचर पाएंगी वालम चलिए इनशाला मुंबंद हो जाती है अपनी अलहमद ला सूरह की तरफ पहले इसका लफजी तर्जुमा देख लेते हैं और फिर इनशा हम इसकी इनशा बटू बट को देखने के बाद फिर हम इनशा इसकी रेसिटेशन रेसी थोड़ी सी इसकी इनशा तजवीज़ देख लेते हैं इसमें रनिदिल्ला सब तारीफ ला ही अल्लाह के लिए है अल्लाजी वो जिसने अनजला नाजिल के आला अब ही अपने बंदे पर अल किताब किताब को वलम और नहीं जाल उसने रखा लहू उसमें जा, कोई

चलिए इनशाला इसका लफजी तर्जुमा भी कोशिश करके आप याद करके भेजिए और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कीजिए कि इसकी और इसको मतलब थोड़ा समझ के करेंगे ना तो दिल में एक अच्छी कैफियत होगी और कोशिश करिए कि इसको अपनी नमाजों में इसको पढ़ने का अहतमाम कीजिए तो सब रेडी है सब ने मुस्क खोला, किस खोला है इनशालाजिए किस किसने मुसह खोला है शाबाश بارك الله سيدنا شبينا تيك إن شاء الله أبصر كرتين كي تاي بارك الله فيك سورة تلك أحب إن شاء الله آية نمبر وان أو تو آج إن شاء الله تو تو آية كرتي كرتين كي إن شاء الله آ... أساني سال الله تعالى بني رحمة سيا سان كرتين كي جزاك الله خير بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل علي عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أنزل علي عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينكر بأسا شديدا هو يبشر من لدنه ويبشر المؤمنين قيما لينكر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا حسنا में। मुझे उम्मीद है विल साथ साथ की दे हम और हम खूब खूब भी सूरत का अहमाम करें चलिए इनशाला थोड़ी सी तजवीज को देख लेते हैं ताकि इनशाला आप इसको बाकायदा तजवी के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ साथ फिर इनशाला थोड़ी सी इसकी तफसर देख लेंगे बहुत ही खूबसूरत सूरत है अलहमदुल्ला हा का मकरज ठीक होना चाहिए लाम पे आपने बाउंस नहीं करना ठीक है अल अल ऐसे करके नहीं अल पूरा इसको जबान को टिकाइए लाम के मकरब के पास ना अलहमद हा को निकालेगा और मीन को वाजी कीजिएगा हम हम ठीक है अलहमदु दलम द द आपका बिल्कुल शार्प हो जो आपका दम्मा है अलहम्दुलिल्लाह अलहम्दुलिल्लाही लाम जलालह को लाइट रखिएगा क्यों क्योंकि तो लिल्लाही नहीं कीजिएगा लाही कीजिएगा क्योंकि लाम जलालह से पहले जो लाम है उसके नीचे कसरा है ज़ेर है ना जब कसरा होती है तो लाम जलालह जो लफ्ज अल्लाह का लाम जिसको हम लामी जलालह कहते हैं उसको हम फिर हम लाइट पढ़ते हैं ठीक है ली

का मतलब होता है स्ट्रेच करना उसको खींचना ठीक है ना तो जब उसको खींचते हैं तो कोई ना कोई रीजन होता है ना तो वन ऑफ द रीजन हमजा होता है अगर उसी में आता है, तो हम उसको मद्दुल जाइजल तो, तो क्योंकि हमजा नेक्स्ट वर्ड में आ रहा है अलजी के अंदर नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे फसल का मतलब जुदा जुदा यानी हमजा उस वर्ड के साथ अटैच नहीं है बल्कि नेक्स्ट वर्ड के अंदर आए ठीक है तो अब इसको कितना काउंट करेंगे फोर फोर टू फाइव काउंट अलहमदुल्ला ठीक है जी को आपने कितना खींचना फोर टू फाइव फिर पे आपने इसको आउ करके मोटा नहीं करना लाइट कीजिएगा किताब ठीक है अच्छा अब यहाँ पे देखिए अंगा आपने लाइट रखा जा जा को और जाल को अजी और जा दोनों के अंदर फर्क है अलजी जी के अंदर कोई विस्लिंग या कोई भी इस तरह का साउंड नहीं है कि एयर आपको फील हो रही है लेकिन अन जला ये साउंड आपको नजर आएगी जला आला जला ठीक है आपको फील होगा का ये जाई का साउंड है ला, ला को आपने ट पढ़ना है ठीक है उसके बाद देखिये आग, तो खाल आपने बाउंस नहीं करना ठीक है आपने ऐसे नहीं करना अब हिल अपने हिलको थोड़ा सा मखरज के पास देखा टू काउन ये आपका अलफ सकी जिसको आप स्टैंडिंग फॉर था भी कह सकते हैं टू कौन मत दूंग तो भाई ठीक है वम अच्छा अगर आप चाहिए तो यहाँ पे रोक भी सकते हैं आला किताब ठीक है फिर आगे से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है तो पीछे से आदा कर ले चाहे तो आगे से भी कंटिन्यू कर सक कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है ठीक है अब देखिए अगर किताब पे रोकते हैं तो आपने बाप बाउंस करना है कल कला लेकिन नहीं नहीं करते तो कोई बाउंसिंग इफेक्ट नहीं है वम मीन पे नाकस को ना यल जीन पे आपका बाउस यजू ठीक है यज आपका मदलतुलसोरा याद रखिए जो हु है ये एक तरह से प्रोनाउन है जमीर है ठीक है अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो नाउन एंड पढ़े ना तो जो है प्रोनाउन है और थर्ड परसन की जमीर है ठीक है जिस, जिसको हम कहते हैं हिम दम ये वाली जमीर है ठीक है तो याद रखिए जब वो जमीर आए और उसके बाद उसकी कंडीशन होती है कि नेक्स्ट लेटर में हमजानी होना चाहिए नंबर वन थर्ड पर्सन की जमीर हो नंबर टू नेक्स्ट लेटर में हमजानी नहीं हूँ नंबर थ्री इससे पहले वाला यानी हु जमीन से पहले वाला जो लेटर है उस पर कोई ना कोई हरकत हो उस पर कोई ना कोई फ़तह बम्मा कसरा हो तो फिर हम को उसको कहते हैं कि ये मदुल सलातुल सोरा है इसको हम टू काउंट पढ़ेंगे ठीक है आई वाजा। तो आपने इसको हु करके नहीं रोकना हु करके बजा आपको छू काउंट थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए हा दम हु हा दम वाउ सुकून या वाउ सगीरा कह वाउ सगीरा कहेंगे हा दम वाउ सगीरा हु ठीक है हा दम वाउ सगीरा हु लहू ठीक है इंशाल्लाह उसके बाद देखे ऐ है आइन की कसर शॉर्प रखेगा आनी चाहिए, चाहिए ठीक जा, जा, का, है एयरनी निकालेगा टू कौन पड़ेंगे कोई ये मल यू दे यहाँ पे देखिये शदारी तो नबर है कि आपने थोड़ी सी आवाज को एलिवेट करना है ठीक है قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين कई ये मैं ठीक है तो यहाँ पे आपने क्या करना है थोड़ा सा स्ट्रेस देना है अपनी आवाज़ को बुलंद करना है अब आप देखिए तनमीन के बाद लाम है ठीक है अब आपको क्या करना है कि तनमीन के बाद लाम आ रहा है जो कि आपको तनमीन और नाकिन के आप मुसलसल रोल पढ़ रहे हैं कि फोर रोल्स है ना एक है जिसे कहा जाए अख्फा इजहार इकलाब और जिसे कहा जाए जा इदाम ठीक है तो जब भी तनम के बाद या राम मीम लाम वाउन आ जाए तो उसका मतलब है साउंड ऑफ द तमीन मर्ज हो जाएगी नेक्स्ट लेटर के अंदर अब आप देखिए कोई ये मन नहीं पड़ रहा है कोई ये मल पड़ रहे है तो पूरी कंप्लीटली साउंड मर्ज हो गई ये लाम के अंदर ठीक है आपको कोई तनमीन की साउंड नजर नहीं आ रही इट्स मीन दिस इज दीट ईदगाम है ईदगाम का मतलब होता है मर्ज हो जाना किसी चीज का दूसरे के अंदर आ, मतलब, आ, हो जाना ठीक है तो आप क्या कहेंगे कोई ये मल ली जेरा ठीक है तो अब आपने कहा ईदगाम है लेकिन विदाउट गन्ना ठीक है कामिलउट गन्ना भी नहीं कीजिएगा क्योंकि

आपने जैसे कहा जाए ज़र्क करना है और आप देखिए तनमीन के बाद शीन आ रहा है ना तो आपको पता है तो ये ये भी इकफा का लेटर है ना याद रखिए कि के फोर्टीन लेटर्स हैं बाकी जो हरूफ तहजी है ना फोर्टीन या फिफ्टीन वो कह लीजिए कि वो बाकी जो आपके रूल्स हैं इदगाम इजहार इकलाम उनमें से है ठीक है इनशाला तो बदी दम अब देखिए तरमीम के बाद अगेन मीना मीम आ रहा अब आप शदीद शदी दम पढ़ते, शदीदम पढ़ते हैं। तो आपकी साउंड तरमीन की कंप्लीटली मर्ज हो जाती है मीम के अंदर तो ये भी इदा में कामिल है लेकिन मोस्ट कम्प्लीट अकमल गन्ना के साथ ठीक है इसमें गन्ना भी होगा ऐसा नहीं कि आप शदीदम दम दोनों दोनों पढ़ के चले जाए नहीं पूरा आपने साउंड कंप्लीट करना है बदीदम

ठीक है इनशाला मिल अगेन देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं मिल नहीं पढ़ रहे मिल पढ़ रहे ना लाम को नून साकिन के बाद का रूल है अगेन लेकिन इसमें कोई आपका आ, होल्डिंग नहीं है आप मिल ऐसे करके होल्ड नहीं कीजिएगा मिल हु नून साकिन का आपने जो नाकस गुनना है वो वहां करना है ठीक है दुन हू अब ये जो जमीर है ना अब ये जमीर जो है वो इसको हम मदलसलासौरा नहीं कहेंगे क्यों इसकी वजह यह कि इसकी कंडीशन पूरी नहीं हो रही ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह देखिए नून साकिन से इससे हु जमीन से पहले नून सा नून पे साकिन आ रहा है कोई हरकत नहीं है ना तो जब कंडीशन मीट नहीं होती तो फिर हम इसको टू काउंट नहीं इसको सिर्फ हम एक काउंट पढ़ेंगे मिलदुन हु वयुबशिरुल मुमिनीन वयुबशि ठीक है तो यु आपकी पहले की आपने ट्वाइस हेड करना है और हैवी करना है। अच्छा आप तो वह बशल करके रोक ले फिर, फिर पीछे से दोबारा इरादा कर लें तो जब रोकेंगे मोहमी पे तो मदल आदत बन जाएगा ठीक है और रॉको हैवी करेंगे लेकिन अगर नहीं रोकते तो आप कंटिन्यू कर लें व युश

ठीक है यह बहुत एग्जेजन एकदम आइन की सिफात ही चली गई ना कि उसके अंदर इतना ज्यादा है, हैवीनेस हो गया और आपने एयर अंदर नहीं लेना बाहर लगना है या अमलूना सालिहाती ठीक है आपने इसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल नहीं बनाइएगा बस आपने या को वास्की फथा को वाजे करते हुए आई को मर्ज करना ठीक है ठीके? या अमलूना सालिहाती साफ ऑफ माउथ के साथ हैवी ठीक है टू काउंट है टू काउंट अन्ना लहम अन्न आपका मोस्ट कंप्लीट होना है जिसको हम अक्मल गन्ना कहते हैं अकॉर्डिंग योर रेसीटेशन मैं इसको टू काउंट होल्ड कर रही हूँ आपकी अपनी स्पीड पर डिपेंड करता है लेकिन आपने होल्ड करना है इन लहूम लहूम में बिना क़िस قلنا अज्रं पे क़लकला अज्रं हसना अज्रं हसना तन्वीन के बाद ह हाँ आ रहा है तो आपको पता है तन्वीन और नून साकिन के चार रूल पड़े वन ऑफ द रूल है जिसे कहा जाए इजहार हलाकी हलगी। जब भी नून सान तरमीन के बाद याद रखिए रखिये लेटर हा हा गोइन हम आ जाए तो फिर आपने तरमीन की आवाज को जाहिर करना होता है तो आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते अज रा नहीं। ठीक है इन और जब आप रोकेंगे को निकालते हुए तो ना पे आपने टू काउन मदल की तरह आपने इसको रोकना है कि आप एक फता को रिप्लेस कर दिए और नून सुकून ना ठीक है याद रखिए ओनली विद तमीन के साथ होता है नॉट विद दम्मा द कसरा तमीन तो दम्मा कसरा की तमीन आती तो आप उसको सुकून दे देते हैं लेकिन जब फतहा की तमीन आती तो उसको अलफ मदिया की, की तरह टू काउंट करके रोका जाता है है, एक फ रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरा फता यानी जबर अपनी जगह मौजूद होता है हसना दैट्स इट इनशाला उम्मीद है बात समझ आ गई होगी जजाकल्ला खैर इंशाल्लाह आपने इसी तरह प्रैक्टिस करके भेजना है हम थोड़ी सी इसकी तफसीर देख लेते हैं ताकि आपकी और मोटिवेशन बढ़े अल्लाह ताला मेरी और आपके लिए आसान कर दे हम सब के लिए इसको मेमोराइज करना आसान कर दे हम इसकी टेन आयात करेंगे और लास्ट की टेन वर्सेस करेंगे ठीक है और अल्लाह ताला तौफीक देंगे तो उसमें मज़द इजाफा करते जाएंगे सूरत कहफ अच्छा सबसे पहले जहन में इस बात को रखिएगा जे अक्सर लोग इसको ना कहफ पढ़ते हैं नहीं ये कहफ नहीं है ठीक है इसकी प्रोनाउंसिएशन आपकी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए कहफ ठीक है काफ़ भी हमेशा फतहा के साथ है अक्सर देखिए आपके सूरतल कहफ पढ़ ली कहफ नहीं है कहफ है ठीक है इंशाल्लाह कहफ सूरत ठीक है इंशाल्लाह इसको देखेगा तो अल्लाह ताला आसानी कर दे क्योंकि मैंने अक्सर प्रोनाउसीशन में लोगों को देखा है कि वो इस तरह से इसको पढ़ते हैं तो मेक श्योर sure इसको मिकेगा इस देखिए इस सूरत का नाम अल कहफ क्यों है कहफ कहते हैं गार को कहते हैं और इस सूरत में जो कि आप देखते हैं कि गार वालों का वाकया ना इसीलिए इसे सूरत कहा कहते हैं याद रखिए ये कहा नाजिल हुई है मक्की सूरत है मक्के में मकी सूरत है मक्के में इसमें तकरीबन कह लीजिए जाए बारह रुकू है और वन वन जीरो आयात है नजूल की तरतीब के से ये 69 की सूरत है और में अगर आप देखेंगे, इसकी फिर भी सुन चुके चूंकि हम मेमोराज करें तो अगेन इसकी फजीलत को थोड़ा सा एक दो हदीस को देख लेते हैं अबू दरदार बयान कहते हैं कि रसूल ने फरमाया जिस शख्स ने सूरत की इब्तदाई

की तिलावत जुम्मे के दिन करेगा तो क्या होगा आइंदा जुम्मा जानी जो नेक्स्ट जुम्मा है उस पर खास नूर और रोशनी बाकी रहेगी ये भी सही रिवायत है ना कि जो भी इसकी तिलावत करेगा तो नेक्स्ट जुम्मे तक क्या होगा एक तरह से खास नूर और रोशनी बाकी रहेगी इसको पढ़ने से घर में सकीनत और बरकत भी नाजिल होती है बराबिनते हैं कि एक शख्स ने सूरत कहा पढ़ी इसके घर में घोड़ा घोड़ा जो था घोड़ा जो था हॉर्स बंधा हुआ था जो भिदकने लगा तो उन्होंने सलाम फेरा क्योंकि वो नमाज में तिलावत करे क्या देखते हैं कि अबर है जो सारे घर में छा गया बादल है ना जो सारे घर में उसने से इसका किया, तो आप जो कुरान पढ़ने वाले पढ़ने की वजह से उतरी ये भी सही बुखारी की रिवायत है तो याद रखिए कि इसका पढ़ना बहुत फजीलत का बायस है बस अल्लाह तुझे और आपको इन को, को हिफ्स करने वाला बना दिया याद रखिए उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमानों पर अहले मक्का का ज्यादा कि कि जुलम किया इससे नहीं हटे वो दिन पर जमे रहे वो तजल का शिकार नहीं हुए तो मेरे और आपके लिए भी बहुत बड़ा लेसन है ना जब कभी दिन के हवाले से डामा डोल होने लगे तो इस सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह अस्हाबे कहफ का वाकया जो बहुत आई ओपनिंग है कैसे उन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए एक कहफ के अंदर एक गार के अंदर पना ले ली लेकिन अपने ईमान से हाथ नहीं धोया ना तो अल्लाह ताला हमें भी इतना स्ट्रॉन्ग ईमान दे दे चलिए थोड़ी सी आयात को देख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अला अब्दिही किताब वलम यज्अल लहू इवजा सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए इससे पहले भी आपने पढ़ी है ना सूरत आलमीन वो भी अल्हम्द से शुरू होती है इसी तरह आपने सुरत-ul-अनाम को देखा था वो भी से शुरू होती है सूरत अला वलम लहु सब तारीफ अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की इसमें कोई कर्जी नहीं है अल्लाह पर सब तारीफ अल्लाह की जिसने अपनी बंदे पर किताब नाजिल की तो अल्लाह की अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाती है न अल्लाह के अल्लाह की जितनी भी मैं और आप हम दो सना करें उतना ही कम है जिसने अपने नबी सत के लिए खास की

दुनिया में भी और आखिरत में उसी की हुकूमत और उसी की इब्तदा तो और, इंतहा, जब भी मैं और आप काम करें और तो आखिर में, में भी अल्लाह अल्ला ही की हम तो करें क्योंकि अल्लाह की दीवी तोफी से ये आपने काम किया और जब खत्म हो रहा है तो अल्लाह की दीवी तोफीक से ही ये काम मैंने खत्म किया तो उस पर भी किसकी तारीफ है अल्लाह रबुल इसीलिए बता दिया नहीं है कोई अख्तिलाफ नहीं, नहीं है तो देखिये इस किताब की इसका वसा बयान कर दिया ना इसकी खूबी बयान कर दी कि इस किताब में कोई गजी नहीं है और साथ ही बता दिया कि यह क्या है ये बेसिक गली राज पर लाने वाली किताब है ये किताब हक और सरात मस्तकम की तरफ रहनुमाई करती है तो मैं और आप अल्लाह की तारीफ करें क्योंकि अल्लाह ही कामिल सिफात का हामिल है अपने जाहिर में अपनी बातन में हर लिहाज से मैं और आप अल्लाह की तारीफ़ करें कि जिसने अपने नबी पर यह कुरान मजीद को नाजिल किया और हमें जिंदगी का मकसद बताया हुँ? अल्लाह ने तो खुद अपनी तारीफ़ की है मैं और आप तो अल्लाह की तारीफ़ कर ही नहीं सकते लकल मैं और आप कहाँ से अल्लाह की तारीफ़ कर सकते हैं हमें तो आती ही नहीं है तो असल बात है कि अल्लाह की सना के उसने अपने अपने रसूल को भेजा और इस किताब को नाजिल किया हमारी ज़िंदगी में ताकि मैं और आप इसको इस, इस किताब को जो कि आपको हक का रास्ता दिखाती है हर लिहाज से है, में कोई कर्ज नहीं है कोई पेड़ पर नहीं है तो ये आपको सही की शदीदन क्या क्यों आ ताकि वो उसकी जानब से एक सख्त अजाब से खबरदार करे इस किताब के अंदर बहुत कुछ इंजार भी है वो बहुत ज्यादा सख्त अजाब की बात भी की गई है और साथ ही खुशखबरी भी है और वो क्या है वह युब्बत अजरन हसना और मोमिन को खुशखबरी दे दे कि जो लोग नीकमल करते हैं यकीनन उनके लिए अच्छा अमल अच्छा अजर है सुबह ये क्यूम ये क्यमने बिल्कुल सीधी ये क़ुरान मजीद एक मस्तीम और एक मतदिल किताब है जो बिल्कुल सीधी है और ठीक है अल्लाह वक्त पर अब सोचिए ना कितनी लोग जो किताब के में शक में पड़े रहते हैं ना कि पता नहीं ये, मतलब ठीक है कि भी नहीं या बहुत सारे लोग इस किताब पर अमल नहीं करना चाहते तो सो मैनी एक्सक्यूज पेश कर देते हैं ना तो कहने का मकसद है ये किताब ना इसमें कोई कजी है ना कोई तेड़ पढ़ने बिल्कुल दुरुस्त सीधी जो आपको सिर मुस्तकीम का रास्ता दिखाती है हुं? तो मैं और आप क्या करें अल्लाह की तारीफ करें और साथ साथ क्यों आपको बताती है आपको ये बताती है कि आप कैसे दुनिया और आखरत के अंदर रह नुमाई लेंगे कैसे आप हिफाज़त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सीधे रास्ते पर चलेंगे इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे और बताती है इस्लाम का रास्ता बिल्कुल सीधा है सच्चा है ये किताब कईयों में मुरादे के सीधी है बिल्कुल दुरुस्त है और कईयों का एक मायने मतदल भी है ये हर तरह के अफ़रात तो और तफरीत से पाक है अब देखिए इससे पहले आसमानी को तो बाई थी ना उसके अंदर कितनी कुछ चीज़ें थी ना लेकिन ये जो है हर तरह की कमी और ज़्यादा से पाक

मजीद को अपने नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करके बता दिया इस कुरान का मिशन ये है कि जितने भी लोग शर्क करते हैं गुनाह करते हैं तो उनको बेसिकली एक तरह से डराया जाए आखरत के हिसाब से और जो अमल करते हैं उनको जन्नत की खुशखबरी दी जाए कि जिनके नीचे नहरे जा रही होंगी जिसमें वो हमेशा रहेंगे याद रखिए रह ये नहीं कहा कि ईमान लाए और जिसे कहा जाए उनके लिए अजरन हसन ईमान ला कर अमल शर्त और अमल के लिए तीन शरायें जब तक आप ये तीन शराइ को पूरा नहीं करेंगे आपका अमल आपका राइटियस डेट डेट नहीं बन सकता नंबर वन तो जब तक तोहहीद नहीं होगी तो बात यह आप, आप, आप कितनी ही जैसे नकमल कर ले नकमल नहीं होगा अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए हर काम वो किसी का कोई दिखावा जाना ना अपनी तारीफ जाना सिर्फ अल्लाह की खातिर और तीसरा तरीका रसूल के ये सारी कंडीशन मीट होगी तो इनशाला आपका अमल अमल बनेगा फिर आपको जन्नत की खुशखबरी और उसके नीचे लहरें और फिर हमेश की जन्नत हमेशा रहने वाले अल्लाह सुबह नबाला फरमाती है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है मेरे बंदो फिर मुझ ही से डरो अल्लाह अकबर ये भी अल्लाह की रहमत है ना कि उसने उन लोगों के लिए सख्त सजाई मुकर कर रखी जो उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं उन सजाओं को उनके सामने खोल के बयान कर दिया है और उन इसबाब को भी वादे वाजे कर दिया जो उन सजाओं के मौजूद है अल्लाह की रहमत नहीं है तो क्या ए, लेकिन इसके बावजूद लोग जानने के बावजूद फिर भी अगर इसके अंदर कूदते हैं और अपने आप को हलाकत में डालते हैं अपना अपने आप को नुकसान में डालते हैं, तो फिर वो अपने नफ्सों को ही मलामत करें इसीलिए कहा वो युब शमिन और मोमिनों को खुशखबरी दे दें जो लोग कमल करते हैं अल्लाह अकबर रसूल जहाँ इंतजार करते थे वहाँ खुशखबरी भी सुनाते थे नकमल करने वालों को ना तो निकमल जब इंसान करता है तो अल्लाह की रहमत उस पर आती है अल्लाह अकबर कैसे इंसान का ईमान मुकम्मल होता है

अगर तुम चाहते हो ना कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो अल्लाह के नबी के इतबा करो युह बिबकुमल्लाह अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा तुम्हारी गुनाहों को माफ कर देगा तो याद रखिए अल्लाह ताला ही ने मोमिन बंदे पर नेक अमल को फ़र्ज़ किया है जैसे नमाज फ़र्ज है ना रोज़ा फ़र्ज है कंडीशन के साथ हज फर्ज है कंडीशन के साथ है ना इसी तरह सदक़ातें सक़ातें तो जो अल्लाह की रज़ा के लिए करेगा इनशा उसके लिए बेहतरीन नज़र है लेकिन तरीक़ा इतबा रसूल के मुताबिक हो फिर अल्लाह की तरफ से वो अजर है जो ईमान लाकर अमल करेंगे तो हमेशा का वादा जन्नत और अल्लाह की रजा का अल्लाह अकबर जन्नत में जो कुछ होगा बहुत खूब होगा जिसको किसी आंख ने नहीं देखा ना किसी कान ने सुना ना किसी इंसान के तस्वुर में उसका कोई ख्याल भी आया हो अल्लाह फरमाते हैं

मीनू नबिल्लाम आप उन लोगों को नहीं पाएंगे जो अल्लाह दिन पर ईमान रखते हैं कि वो उन लोगों से दोस्ती रखते हैं जिन्होंने अल्लाह रसूल की मखालफत की वो उनके बाप हों या उनके बेटे हों या उनके भाई हों या उनका खानदान हो यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान लिख दिया है और उनको अपनी जनाब से एक रूह के साथ दी और उन्हें वो ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरे बह रही हैं उनमें हमेशा रहने वाले हैं असल बात है

अल्लाह की रजा मनती है अल्लाह ताला मुझसे और आपसे राजी हो जाए इतनी खुशखबरी मोमिनों को दी गई है तो अल्लाह ताला मुझे और आपको तो आप अपनी खशियत दे दे اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله وارث منا وجل سعرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا. si di rin na, baduniana जल हम तो इसी तरह एंड में आती है इसको देखिएगा बहुत ही ख़ूबसूरत दुआ है इसको याद कीजिए इन जब अल्लाह का डर आएगा तो आप देखिएगा कि जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा अल्लाह सुबहान तेरे और आप के लिए मुझे खुशखबरी दी गई है और जो इंसान है खुशखबरी से फ़ायदा लेने वाला बनाकर यानी ऐसे कामों से बचने वाला बना दे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा व आई है अल्लाह ताली मेरी और आप लिए आसानी कर दे जजाकल्ला खैरबारकल्लाफिक इनशा हम अपने ग्रामर के सेशशन की तरफ़ चले

तबा जहबा ना, सारा, ठीक है तो ये उसके सीखे में सिर्फ मादे के तीन लेटर्स हो तो आप उसको कहते हैं सोलासी मुजरत सोलासी मुजरत आपको याद है ना कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह जो माजी मारूफ के कितने सीखे से कहते हैं तीन देखे थे ना फाइला फाइला फाउला और आपने माजी मजहूल का कितना देखा था

फाइला तो से याद रखिए मुदारे के भी तीन मुदारे के भी तीन से ना या फायलु या फलो या फलो आइन की हरकत चेंज हो रही है ठीके? या फायलो विद फू कसरा या फलो दम आइन विद्ठ ठीक है तो याद रखिए आपने मुदारे मरूफ के भी तीन अवदान पढ़े लेकिन इसका जो मजहूल है और इसका भी एक आपने अवदान पढ़ा है वो है यु फू या विद दम यानी जो अलामत मुदारे हैं वो दम्मा के साथ और और आइन कलमा विद फतहा आइन कलमा विद फतहा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन जब हम अबवाब बनाते हैं सुलासी का मतलब तीन मुजरद का मतलब ओनली हम ऐसे अबवाब बनाते हैं जो सुलासी मुजरद के हैं तो सुलासी मुजरद के छह अबवाब हैं कैसे बनाते हैं कैसे इनको फॉर्म किया जाता है आप माजी मारूफ के तीन औज़ान को लेते हैं ठीक है सबसे पहले आप फा को लेते हैं जब आप फाइला की डाई को लेते हैं और उससे मुदारे बनाते हैं तो तीनों बनते हैं या फ़ालू भी बनता है या फ़ाइलु भी बनता है या फ़लू भी बनता है ठीक है जब आप फा से बनाते हैं तो जब आप इसका मुदारे बनाएंगे तो आप यह फ़िलु या फ़ैलू या फ़लू ठीक है आप तीनों बनाएंगे बात समझ आ रही है ना लेकिन अब फाइला से बनाएंगे तो याद रखिए फाइला से बनाएंगे तो याद रखिए या फाइलो और या फेलो ठीक है या फिलो आइनफा था या फेलो यानी आयन वसरा विद वम फाइला के वजन से नहीं बन सकता फाइला के वजन से यह फाउलू का नहीं बनता आइन वम ठीक है तो हमने फाआला से तीनों बना दिए मुदारे के फाइला से दो बनाया यह फायलु और यह फ्यालु अब हम फाउला के वजन पे जाएंगे जो कि माजी मारूफ का है तो जब हम इससे बनाते हैं तो याद रखिए इससे ना यह बनता है ना यह बनता है ओनली यह बनता है है, दँवा दँवा के साथ मैच करता करता वो वो एक्सेप्ट ही नहीं उसको ही बनेगा, या या या, या या बनेगा तो अब आपको ये बात समझ आ गई है कि फाइला से या फ़ाइलू या फैलू यह फलू फाइला से यह फ़ायलू यह फैलो फ़ाउला से या फल ठीक है तो बात समझ आ गई कि आपने माजी मरूफ के तीन औजान लिए और उसे मुदारे मुदारूफ बनाया तो फाइला से तीनों बन गए फाइला से दो बने और फाउला से एक बन गया ठीक है आई मदम फ़ाइला से आम था इन कसरा और फा अला से था फम्मा कसरा ठीक है जब ये बन गए छः आ गए हमारे पास यू या फिलूँ या फलू यू य फालू या फलू ये आ गया अब हम इसको एक स्टैंडर्ड दे देते हैं पहला वाला बाप फता ठीक है आप इसको बाप फतहुन कह लें या बाप फता कह ले तो फता हमें यफ यलु के वजन पे डाला फतहा फाला के वजन पे डालिए फता फाइल अब हम इसको क्या बनाएंगे तो पहला वाला जो यह फाइलु है याद रखिए फाइला यह फाइलु से फतेह यफ तो पहला बाब या फालु से क्या बना बाब बाफत बाब बाफता ठीक है नेक्स्ट हम करते हैं फाइला या फेलू अब हम इससे इसका जो बाप का नाम देते हैं दारोबा फाइला दाराबा या फैलो या दरीबो यू ठीक है तो दूसरा क्या हो गया बाप दौराबा तो पहला आपने कौन सा बाप पढ़ा बाप फता दूसरा बाप दार फान ठीक है अब हम फाइला से यू बना रहे तो दाराबा दाराबा यानी इसका मतलब है अब दाराबा नहीं

फ़ाअला न सरा फांसुरु ठीक है तो अब आपको ये बात पता चल गई कि आपने जो तीन डाई बनाई फा से माजी मारूफ से मारूफ तो उनमें आपने जिसे कहा जा बाप को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया अगर फा अलाफ अलू है तो ये बाप फता है फा अलाफ एलू है तो ये बाप दराबा यद है फा अलाफ है तो बाप न सरासुरु है ठीक है तो फिर हम जा ये बाब आपके तीन हो गए बाफतुन दरब नसरुन ठीक है फिर हम कहते हैं फाइला अगर फाइला से आइन कलमा विद कसरा एंड देन मुदारे आइन कलमा विद फथा फाइला या फाइलु तो इससे बाद बाब बनेगा बाब समिया यस्मौ बाब समिया यस्मौ समिया यस्मौ फाइला या फाइलु तो ये आपका क्या बाब हो गया बाब समिया यस्मौ फाइला से या

यह ठीक है शह बाब हसीबा बन गया तो ये आपके पांच अफवाब हो गए ठीक है लास्ट में फाउला या फाउलू यानी बाप क्या या खुरू बाप कैरुमा आइन कलमे पे देखिए है मुदारे में भी और माजी में भी करुमा यक रूम। यक रूम। तो ये बाब आपका करुमा बन गया तो टोटल आपके मुजारत के छह अबवाब फतेहा न सरासुरु मसमिबा या यासीब करुमा यकरुम ये आपको टिप पे याद होने चाहिए ठीक है ये आपने याद करना है बाब बाबासी मुजारत के तीन अबाब अबाबे अब अगर आपको अबाब याद होगा ना तो यकीन कीजिए आपके लिए आसानी होगी जब आप मुख्तलिफ

यख बाप ना सारा यंसुरो है तो कहने का मकसद है इसी तरह जहाब या ठीक है अब कैसे कै, कैसे पता चलता है बाहर पर प्रैक्टिस से और याद होने से बाप का जहाबा ठीक है ना आ गया, तो इस तरह से लोग हैं। प्रैक्टिस से आता है आपको बाप बस ये पैटर्न याद होना चाहिए फाता हा, यफ्ता फाता हा। दाराबा यद रेबू बाप दाराबा न सरा यंसुरु बाप न सरा सामिया यजमाऊ बाप समिया इसी तरह हसीबा यकसीब बाप हसीबा करुमा यकुमो बाप करमा करमा ठीक है जैसे आप कहते ना ठीक है बाउदा आता है ना ये आता है उसके वजन पर कामा बाउदा या बउुदू ठीक है ना इंशाल्लाह तो इसी तरह जब आप इसको करेंगे ना तो फिर आपके लिए आसान होगा ठीक है मिसालें इंशाल्लाह आपका काम क्या है आप फतेह से पूरी करतान बनाएंगे दारोबा से बनाएंगे फतेह 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 फता 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 फतहतु आप कर चुके हैं मेरे साथ पहले ठीक है तो आप अलहमदल के अंदर दाराबा से भी बना लीजिए पहले बाप का नाम लिखिए छे अब बाप ठीक है इस तरह से जैसे आपकी बुक में सामने नजर आ रहा वैसे है वैसे लिखिए फिर आप फतेह याफ्ता करके बाप फतहुन और इसकी एब्रिवेशन फा डालिए और फिर उसकी गर्दान बनाई इसी तरह फा फिर आप बनाइए दाराबा यद रिबू ठीक है माजी मदारे बाप दरबुन या दाराबा और दब्रिवेशन डाल के इसकी गर्दान बनाइए फिर न सारा यूरू बाप न सारा फिर उसकी एब्रिवेशन लिखिए गर्द बनाइए इसकी गर्दान बनाइए इसी तरह हसीबाब फिर आप इसकी गर्दान बनाइए ठीक है इसका इसका लिखिए बाप हसीबा दन बाप करुमन आप लिखिए बाप करमन यानी हसीबा सॉरी करमा युमो फिर आप इसको लिखिए और फिर इसकी गर्दान बनाइए ठीक है तो इनशा आपके लिए आसानी होगी अल्लाह ताला आसान कर दे अब देखिए आगे कुछ अफवाह की क्वालिटीज़ बताई जा रही बात आइन या लाम कलमे पर आम तौर पर परूफ़ हल्की होते हैं आम तौर पर ऑल नॉट ऑलवेज ये एक थोड़ी सी आपको एक क्वालिटीज़ बताई जा रही आइन या लाम कलमे पर ठीक है बाफ़तहा किस पे बात यफत तो अगर आप अगर पहचानना चाहें तो आपको एक पहचान बता दी है कि आइन कलमा अच्छा फ़तः में आइन कलमा कौन है ता ठीक है तो इन शाह बात से जो भी आप निकाल के देखिये इनशा में आपको थोड़ी सी चेकलिस्ट देती हूँ फिर इसको थोड़ा सा गौर विक्र करते हैं बाप हसेबा ये कह रहे हैं कि गिनती के चंद इसमें इस्तेमाल होते बहुत कम बाप हसेबा से आता है तो छुट्टी हो गई आपकी हसीबा में इतना टूटने की जरूरत ही नहीं है कुछ गिनती के अल्फाज हैं जो कि आपके पास होंगे फिर बाप समिया या हजीना या तो आपको पता है हमेशा की तो खुशी होती नहीं है ना ही हमेशा का गम है खुशी और गम साथ साथ है ना कभी खुशी है कभी गम है राइट तो जब ये सिफत तो मतलब बाबस

तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा मैं आपको इनशाला कुछ आ, 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 नाम देती हूँ ताकि आप उसको देख के करें अगर आप करेंगे तो आपके लिए कोई मैं इनशाला ये काना वगैरह की गर्दान नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो और आप आसानी के साथ कर सकें ठीक है ना तो मैं थोड़ा सा आपको फेले मुदारे का अबाब के हवाले से आपको कुछ इनशाला प्रैक्टिस करवा दूँ ठीक है ना तो आप इनशाला थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि आपके लिए आसान हो ठीक है ना इनशाला चलिए कहता अगर मैं आपसे पूछती हूँ आप लोग टाइप करेंगे अगर मैं आपसे पूछू कितने लोग हैं जो टाइप करेंगे शाबाश बताइए मुझे खाली आपने ना अबाब के नाम बताने मुझे ठीक है आपने कोई लंबा चौड़ा नहीं बताया ना सिर्फ मुझे अब आपके नाम बताने ठीक है कितने लोग करेंगे चलिए अच्छा एक सेकंड मुझे दीजिएगा इंशाल्लाह हम थोड़े से अब प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर आप इंशाल्लाह उसको साथ साथ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसान करने वाला अल्लाह तुम सबके लिए आसान कर दे चलिए कताबा का बताइए कौन सा वर्ड है कौन सा अफाल है शाबाश बता बताती जाइए कहताबा बताइए अल्हम्दुलिल्लाह <coughs> बाप कौन सा है ये अब यख कौन सा कौन सा है टाइप करेंगे आप लोग ताकि मुझे अंदाजा हो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा शाबाश अल्हम्दुलिल्लाह बाप ना सारा ठीक है अच्छा अब बताइए जी अब बताइए अल्हम्दुलिल्लाह जी पताला बताइए जी शाबाश बताइए جيد الحمد لله الحمد لله أش الحمد لله أبداية موجز ذهبا ذهبا بداية ذهبا الحمد لله ذهبا يذهب ذهبا نيني يذهب نيني ذهبا يذهب كونسا هم فاتها لا فتح ذهب يذهب شاب شابش الحمد لله الحمد لله ठीक है الحمد لله كفارة. 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 كفارة يغفر كفارة يغفر كون सा ना सारा माशाल्लाह बाप ना सारा चले मैं सामने पुराने मजीद ही खोलती हूँ पर आपके लिए आसानी होंगे अच्छा आगे देखते हैं इन या गला जी गला या गफीलू बाप दारा बाब दा। हसी बाफ अला है ना के साथ है ना फैला यह गफीलो जी दारोबा यह दरीबो दारोबा या दरीबो ठीक है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह चलिए और देख लेते हैं हम कातामा कातामा छुपाना ना कातामा कातामा यक्तिमु ठीक है कातामा कातामा यक्तिमु कहते हैं ना वहां पे आता है ना कुरानी मजिद में लिय तुमो वो हक को छुपाते हैं ठीक है कतम यक्तिमु दारा दाराबा बारक अल्लाह बारक अल्लाह खाराजा युजो खाराजा युजो कौन सा बाब नहीं तो नहीं है जी या युजु शाबश बताइए खाराजा या युजु रुजो मैं देखिए आप बाप को सामने ना स... जी नहीं खराजा देखिए फा का वजन है ना खारा जा, फा फाइला का वजन है ना, ना। युजो ना सारा आ रहा है ना देखिए अगर अगर मैं मैं आपको आइन कलमे पे मैं अगर दम्मा कहती तो फिर आप कहते हैं आइन कलमे पे तो मैंने कोई दम्मा नहीं डाली ना तो मैंने कहा खराजा या खरोजो न सारा यु न सारा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह एक दो और करते इंशाल्लाह ताकि आपके लिए और आसानी हो चले इनशा इंशाल्लाह बारा या ठीक है यस बिरु भी आता है यस बुरु भी आता है सोबारा यस बिरु यस में कह रही हूँ सोबारा एक से ज्यादा भी बाजत बनते हैं सोबारा यस बीरो दाराबा बार ना आती नहीं दाराबा आन का मैंने माजी के अंदर दराबा बोला है का वजन है ना हसीबा जब होता माजी में भी कसरा होता शक यशकू यश गुरु कौन सा बाब है नहीं 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 अल्लाह हाउल वला को बता बिल्ला हम सीख रहे कभी ना कही है अल्लाह ताला जान करे शाकारा फाला न चाब नहीं नहीं करूँ मैं मैं आईन कल में भी तो करुमा जब होगा याद रखे जब मैं कहूंगी बउदा आइन पे मैं लेकर आ रही हूँ ठीक है ना तो मैं फिर उस वक्त कहूंगी कि हाँ अब बहुत ही जैसे कम अल्फाज आते हैं जो आइन कलमे के ऊपर जैसे कहा आजा दम्मा होती है माजी में मैं शकारा कह रही हूँ मैं सब पे फता लगा रही हूँ शकारा यशकुरु कौन सा बाप है शाह लिखिए अलहमदुल्ल ठीक है, है ना सारा था न सा है ना नक्स नुक्स कहते हैं हमारी उर्दू में नकाशा क्या होगा नकासा सारी जो जो, जो फाकलमा आंकलमा सब फता के साथ है शाबुश लिखे आप कर सकते हैं नकासा या नकुसु हम्म अल्हम्दुलिल्लाह बाप क्यों नहीं लिख रहा है अलहमदल ना सारा ना सारा नहीं करूँ मैं कैसे होगा मैं न सा कह रही हूँ ना मैं ना कहा, नहीं न सरा सुरु ठीक है चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके भेजूंगी आपको होमवर्क और आपको गौर करना है देखिए मैं आपसे ना आपने अगर मेरी आवाज़ को सुनेंगे ना मैं जो माजी क्या बोल रही हूँ अगर माजी में सारे फता के साथ बोल रही हूँ तो इनमें से कोई भी मुदारे के अंदर याद रखी या तो बा फता है या दारोबा या न लेकिन अगर मैं माजी कह रही हूँ विद आइन कलमे के साथ ठीक है तो फिर आप लिखेंगे इसके अंदर या तो फिर आपका बाप सम या हसेबा अगर माजी में कल में दमा के साथ कह रही हूं तो फिर एक ही होगा सिर्फ उसका मुदारी भी दमा के साथ ठीक है चलिए एक और लास्ट में कर लेते हैं देखते हैं इंशाल्लाह शह गफारा या गफी गफारा अल्लाह ताला कहते हैं ना य फिर जुनूब जमिया गफारा या मैं सारा माजी के अंदर शाबाश दाराबा दाराबा यद सॉरी दाराबा यद रिबू गफारा यगवेर माशाल्लाह अल, अलहमदिल्ला बारक तो इसी तरह आपने देखना है फिर आपका आपके लिए आसान हो जाएगा ना अलहमदिल्ला चलिए एक और लास्ट में करते हैं आप कहेंगे एक ही कहते हुए आगे

सारा माजी आपका आइन कलमा सब पता के साथ है। यरज़ुको शाह बताइए न सारा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह चलिए इनशाला मैं कुछ और भी आपको भेजूंगी तो आपने इनशाला करना अभी तो सामने मेरे पास यही था चलिए बारक बाराकल्लाफी इनशाला यहीं पे कहते हैं आपका होमवर्क है कि आपने कहफ आयत आइट से लेकर टू आपने अपनी ग्रुप में भेजनी है प्रैक्टिस के साथ साथ में उसकी ट्रांसलेशन भी और आपनी तफसीर को सामने रखते हुए उसको याद करना की किस मौके पर इस सूरत को नाजिल किया गया था जब कुफारी मक्का की जो मखाल्फत है वो बहुत जदीद हो गई थी तो ऐसे मौके पर असहाब कहाव का जिक्र करके उनके वाक़े को याद दिलाकर मुसलमानों को हिम्मत दी जा रही मैं और आप अल्लाह करे इसको याद करने वाले बन जाए दिल में बसाने वाले बन जाए जसाक अल्लाह بارك الله فيك ربنا تقبل منا انك انت السميع وتوب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته